बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आजकल जो पाठ चल रहा है वो है पदार्थ, धातु और अधातु। हमने इससे पहले वाले सेशन में अगाध वर्धनेता के बारे में बात करी थी कि किस प्रकार जो धातु होते हैं, या अगर अभी हम धातु नहीं, हम ये ऐसे बोलते हैं कि किस प्रकार कुछ पदार्थ जब हम उन पर एक चोट देते हैं वो एक पतली शीट की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो जो शीट में हो जाते हैं, जैसे हमने लोहा अगर का एल्यूमिनियम का अगर हम एग्जाम्पल ले, या अगर हम एक चांदी का ले, जो हमने चांदी के वर्क की बात करी थी, लेकिन जैसे हमने पेंसिल के लेड की बात करी थी, कोयले की बात करी थी, वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा था। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे थे उनको हम अधातुओं में कैटेगरी में रख रहे थे, और जो एक शीट में चेंज हो जा रहे थे उनको हम धातु की कैटेगरी में रख रहे थे। अब आज जो हमारा सेशन है, हम इसको और आगे जो ये जो इनके जो धातु और अधातु के जो भौतिक गुण हैं इनके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइम है बुक खोलने का। बच्चों, ये आप लोगों के सामने एक एक्सपेरिमेंट है, और मैं ये जो एक्सपेरिमेंट है, और ये आप जानते हैं कि इससे पहले वाला जो पार्ट था वो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस कर लिया था कि हम कुछ हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो हम गर्म वस्तु उनकी सहायता से उठा सकते हैं, या हमें करंट नहीं लगे, हमारे पास वो विद्युत नहीं पहुंचे, तो वो जैसे प्लास्टिक है उसका हम उपयोग करते हैं जब हमें कुछ एक ऐसा बिजली का काम करना होता है। इसी चीज को अब हम थोड़ा सा आगे आज एक क्रियाकलाप से समझते हैं। देखिए, ये एक सेटिंग कर दी है कि एक ये हमने बैटरी ली है, बल्ब जोड़ा है, और ये आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इस चीज को एक बस समझाना चाहती हूँ कि हमारा करंट तभी फ्लो होता है जब पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने का अर्थ है कि जहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और जहां तक जा रहा है और वापस वो फिर उधर एक पूरा सिस्टम अटैच्ड हो। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये करंट, ये हमारा जो वायर है, देखिए ये पूरा, और ये पूरा यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। ये होता है हमारा जब हम तभी करंट पास होता है। अगर यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे ब्रेक होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, तो हम इसको कहते हैं क्लोज सर्किट, एक पूरा परिपथ बना देते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये हमने एक परिपथ बनाया है, विद्युत परिपथ बनाया है, ये बैटरी है जो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। ये बल्ब है जो हमें जब ये जलता है तो हमें बताता है कि करंट बहा, और जब नहीं जलता है तब ये बता इसका अर्थ होता है कि करंट इसमें नहीं बहा। अगर यहाँ पर ये जल रहा है तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर करंट बह रहा है। तो अब इस चीज को हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये लोहे की कील लगाई है, ठीक है, और जब हमने ये लोहे की कील लगा के इस परिपथ के बीच में हमने जोड़ दिया है और ये बल्ब जल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो कील है ये अपने अंदर से करंट को पास कर रही है। तो ये हमने एक चीज देखी। अब वो बता के यहाँ पे आपकी इस क्रियाकलाप में कहते हैं कि अब जैसे लोहे की छड़ ली, फिर हम देखते हैं गंधक लगा दे, कोयला लगा दे, तांबे का तार लगा दे, तो ये अगर हम बीच में, मतलब मीन्स एक बार लोहे की कील लगाए, अगली बार हम लोहे की कील निकाल के गंधक लगाए, फिर हम गंधक निकाल के कोयला लगाए, और कोयला निकाल के हम तांबे का तार लगाए, और फिर हम देखें बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो अगर आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, बहुत सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बड़े की निगरानी में, और फिर आप हमें बताइएगा कि आपका कैसा रहा एक्सपेरिमेंट। और तो यहाँ पे हम जो देखेंगे वो ये है कि अगर जब हमने लोहे की कील या छड़ कुछ लगाई थी तो करंट बहा था, इसका मतलब वो सुचालक है। गंधक और कोयले में करंट नहीं बहेगा, इसका मतलब है वो कुचालक है, और तांबे के तार में करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, इसका अर्थ है वो सुचालक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि लोहे की छड़ या कील या और या तांबे की अगर हम बात करते हैं, तो
ये सुचालक है और गंधक और कोयला सुचालक नहीं है। अब हम देखते हैं कि एल्युमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग हम कहाँ देखते हैं, ये बताइए। कभी आपने कोयले की तारे देखी हैं? नहीं। और ये आपने एल्युमिनियम और तांबे की तारे, जो आपके जहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो बड़ी मोटी मोटी एल्युमिनियम की तारे तो जो हम सड़क पे देखते हैं, रोड पर, जब हमारा पूरे पोल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है, ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है, लेकिन अंदर जो होता है उसमें कॉपर की तारे होती हैं या नहीं होती हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि कॉपर की तार के थ्रू करंट बह रहा है। तो ये जो है धातुओं का वह गुण जिससे हम ये देखते हैं कि जब हम उनको खींच कर तारों में चेंज कर सकते हैं, उसे हम तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरे एक गुण पर आ गए हैं कि तन्यता क्या है। तो जैसे एक हमने देखा था कि कैसे हम जब उसको मेटल्स को पीट रहे थे या हम कुछ पदार्थों को पीट रहे थे तो वो शीट में चेंज हो रहे थे। अब हमने देखा कि कुछ हमारे पदार्थ, जैसे अगर हम कहें एल्युमिनियम का, हम बोल रहे कॉपर का, तो ये जो एल्युमिनियम कॉपर का है ये भी क्या है, अब हमने ये इसमें जान लिया था कि हम इनकी शीट्स बना सकते हैं, तो ये आ गए धातु की कैटेगरी में। तो ये हमने धातु की एक और हम क्वालिटी देख रहे हैं कि इन धातुओं को खींच कर हम तारों के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो एक आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर वो जब गिरता है तो उसकी ध्वनि सुनी है? अब हम दूसरी एक और कैटेगरी पर जा रहे हैं। हाँ, सुनी है? आप अगर अभी है तो आप वीडियो पॉज करके, आपके पास कोई कॉइन है, आप जमीन में थ्रो करिए, आवाज आएगी, है ना। तो ये एक और हम इसे अपनी एक और क्वालिटी देख रहे हैं, वो है जो एक निदात ध्वनि होती है। तो ये जो हम देखते हैं कि कुछ हमारे मेटल्स ऐसे भी हैं, या अगर हम कहें कि जो पदार्थ गिरकर एक साउंड क्रिएट करते हैं, वो भी मेटल या धातु की कैटेगरी में आते हैं। और अब हम लोग एक और कैटेगरी पर आ रहे हैं कि आप कोई भी, आपके सामने जो भी पदार्थ है उस पर आप एक वो करिए, थोड़ा सा हाथ से उसको बीट करिए, तो जब हम उसको हाथ से हल्की चोट देते हैं तो हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ जो हमें जो ध्वनि है वो भी क्या है, ये भी एक धातुओं का गुण आ जाता है और इसे हम कहते हैं ध्वनिक। तो क्योंकि धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। और जो अन्य पदार्थ होते हैं उनमें हमें ध्वनि नहीं आती। कोयला आप बजा कर देखिए, एक आप कोयले पे वो करिए और एक आप कोई मेटल पर एक साउंड क्रिएट करिए, आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमने आपकी बहुत, उन्होंने छोटे छोटे रेफरेंसेस देकर उनको आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पदार्थ जो एक चमक लिए होते हैं, कठोर होते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत का और ऊष्मा का संचालन करते हैं, या जो एक शीट में चेंज हो जाते हैं, या जो एक पतले तार के रूप में चेंज हो जाते हैं, ये सारे जो हैं ये सारे गुण धातुओं में होते हैं। और या जो पदार्थ इस प्रकार के गुण दिखाता है उनको हम धातु की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये नोट कर लीजिए, धातुओं के उदाहरण है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि। तो और इसके विपरीत जो कोयला या और सल्फर है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो नरम है, वो हार्ड नहीं होते हैं और देखने में ये बड़े मलिन होते हैं। हथौड़े की हल्की चोट से वो एक चूरा हो जाते हैं, वो ना तो शीट में चेंज होते हैं ना वो वायर में चेंज होते हैं, ये ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करते हैं, ऊष्मा और विद्युत का संचालन भी नहीं करते हैं, उनके कुचालक होते हैं। तो ये सारे जो पदार्थ होते हैं ये आ जाते हैं अधातुओं के अंदर। और इनमें जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इत्यादि।
तो ये हमने देखा, आज जो हमने देखा है कि ये हमारे पास जब हमने इन गुणों को एनालाइज करा और ये जितने हमारे पास पदार्थ थे उन गुणों से उनको चेक करा, उस बेसिस पे हमने उनको धातु और अधातु की कैटेगरी में रख दिया। अब आपके पास ये कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। मैं इसको दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, वो धातु हैं, और धातु हमने जनरली देखा वो क्या होते हैं, कठोर, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो नरम धातु हैं। तो ये सब कुछ हमको केमिस्ट्री में थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलते हैं, और वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम चाकू से ही काट सकते हैं। और दूसरा जो हम देखते हैं मरकरी पारा, ये एक ऐसा धातु है जो हमें द्रव अवस्था में मिलता, तभी हम थर्मामीटर में मरकरी एक डालते हैं और जैसे ही उसमें टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, जब हम मुंह में रखते हैं अगर हमें बुखार है या हमारे मुंह की गर्मी से को लेकर वो जो मरकरी होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, इसकी इस क्वालिटी के कारण ही हम इसको थर्मामीटर में यूज करते हैं। तो बच्चों आज हमने धातु और अधातुओं के जितने भी भौतिक गुण हैं उन सब के बारे में पढ़ लिया, इसके नोट्स में अब आपको दिखाती हूँ। तो हमने देखिए ये पहले उसमें हमने देखा था कैसे धातु जो है वो शीट्स में एक चेंज हो जाते हैं, अब हम देख रहे हैं वायर में चेंज होते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींच कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उनकी तन्यता कहलाता है, और हम इसको इंग्लिश में डक्टाइल नेचर भी बोलते हैं। अब धातुओं के गुण जो हमने देखे थे, यहाँ मैं आपको एक पॉइंट्स में दिखा रही हूँ, आप बुक में मार्क कर लीजिए और अपनी कॉपी में भी इसको देखकर लिख सकते हैं कि धातु कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये धातुओं के गुण हो गए। धातुओं के उदाहरण ये सब आ गए आपके, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, टिन आदि। और जो अधातुओं के गुण है वो है दिखने में मलिन, टूट का चूरा हो जाते हैं, ध्वनि नहीं करते, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि धातु और अधातुओं में क्या डिफरेंस है, तो एक कॉलम में आप धातु लिखें और दूसरे कॉलम में अधातुओं के गुण लिखें और उनके एग्जाम्पल्स दे दें, तो ऐसे आप उनका डिफरेंस बता सकते हैं। और इनके अधातुओं के उदाहरण आ गए सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। आपको क्योंकि अभी हमारे बहुत और एलिमेंट्स हैं, आपको सिंपल अभी थोड़े से 5-6 एग्जांपल्स देकर ही हम उनको समझा रहे हैं। अब जो हमने ये मैंने आपको एक रेड से मार्क करवाया था, तो आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। कुछ अपवाद जो है, नरम धातु जो है वो सोडियम और पोटेशियम है, द्रव्य अवस्था में जो धातु है वो मरकरी या हमें उसको पारा भी बोलते हैं। तो ये एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न में आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि कौन सा धातु है जो नरम है जिसको हम एक चाकू से भी काट सकते हैं या जो हमें द्रव अवस्था में मिलता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने आज के सेशन में धातु और अधातु के जितने भौतिक गुण है इनके बारे में बात कर ली, और हमने ये जो कुछ चीजें अगर हम देखें तो हम अपने एक रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे उनमें ध्वनि होती है, कैसे उनमें चमक होती है धातुओं में। और लेकिन अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो कुछ आपके जैसे एल्युमिनियम है, आपका आयरन है, ऐसे आपके सामने कुछ धातु हैं जो आपके घर में है, आप उनको देखकर और एक आंखों से देखकर और समझ सकते हैं। तो अगले सेशन में धातु और अधातुओं की जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, इनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।